आपने अभी तक भाषण तो बहुत सुने होंगे, शायद से दिए भी होंगे, लेकिन ऐसा भाषण आपने कभी नहीं सुना होगा। आई एम हियर टू स्पीक, ये स्टोरी वैसे ही है। तो चलिए, पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, सेवन सुजुकी जो है ECO इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ये स्पीच यहाँ पे दे रही है, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक चिल्ड्रन है। हाँ, यहाँ पे वो बोल रही है कि 12 से 13 साल के बच्चे, हम जो है ये जो चेंजेस है, ये डिफरेंसेस है, ये हम सब लोगों को दिखाना चाहते हैं जो डेली हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। हम पैसे को बहुत अहमियत दे रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है, हम यहाँ से 500 किलोमीटर अंतर से, यहाँ दूर से यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, कुछ समझाने के लिए आए हैं कि हम हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लोगों के लिए लड़ने आए हैं, उनको क्या क्या देना चाहते हैं, क्या सुविधाएं देना चाहते हैं वो। ये ऐसा नहीं है हमारा फ्यूचर, मतलब क्या समझते हैं आप, मुझे नौकरी नहीं लगना, मैं इलेक्शन में हार जाऊंगी, मेरा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, ये फ्यूचर के बारे में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तो आने वाले जनरेशन जो ये सारी चीज़ें फेस करने वाला है, मैं आप लोगों को उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं उन बच्चों के बारे में बताना चाहती हूँ जो भूखे हैं, कुपोषित है, और उनका रोना किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, सुन के भी जग उसे सुनना ही नहीं चाहता है। और मैं उन एनिमल के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जिनकी स्पेसिस जो है, जातियाँ है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जंगल ही नहीं रहा, उनके सारे जंगल्स का स्पेस हम ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम लोग। मैं उस सन के बारे में बोल रही हूँ जिसका प्रोटेक्शन हमें ओजोन करता था, और वो ओजोन की रेयर कम होती जा रही है। मैं उस हवा की बात कर रही हूँ जिस हवा में मैं हम सांस लेते हैं, न जाने कितने केमिकल्स आप उसमें डाल रहे हैं। मैं वॉलकोलवेयर, जो मेरा गांव है, जहां पे मैं फ़िशिंग करने के लिए मेरे पापा के साथ जाती थी, वहां पे मैं जब इस बार फ़िशिंग करने गई, मुझे बहुत हैरानी हुई कि जितने भी फिश मैंने पकड़े थे, सारे के सारे मोस्टली कैंसर से जूझ रहे थे। आप समझ नहीं सकते हैं कि हर दिन एक प्रजाति, हर दिन एक प्लांट मर रहा है, और वो किसके कारण हो रहा है भाई। ये नेचर नहीं कर रहा है, ये हम कर रहे हैं, हमारा ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये सारी चीज़ें कर रहा है। और मैंने मेरी लाइफ में जंगल, जानवर, इनके सारे लोगों के बारे में मैंने सुना था, देखा भी था, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों को देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आप भी बता सकते हैं। दिन ब दिन ये बटरफ्लाइज़, ये बर्ड्स, ये प्लांट्स, हज़ारों चीज़ें नष्ट होती जा रही है। तो क्या मैं इनके ज़िंदगी के बारे में, क्या इनके बढ़ते हुए और कम होते हुए, इनके नंबर के बारे में बोलना चाहती हूँ क्या? ये नहीं बोलूँगी तो मैं आंखें बंद करके रह जाऊँगी। कौन सुनेगा इसके बारे में, कौन सोचेगा इसके बारे में? क्योंकि एनिमल्स, प्लांट्स, ये तो वोटिंग करने नहीं जाते, तो उनके लिए कौन सोचेगा बताइए। मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, इसके लिए मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे रियलाइज़ करने आई हूँ कि ये मैं नहीं करूँगी, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। वो ओजोन की लेयर जो दिन ब दिन कम होती जा रही है, उसको फिक्स रखने के लिए, जो कम होती रहे उसको कम करने के लिए कौन करेगा मदद? जो एनिमल्स पानी में बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे, फिशरी, ये इनको तैरने के लिए, रखने के लिए कौन? और ये जो कम होते हुए फॉरेस्ट है, जंगल्स है, यहाँ की प्रजातियाँ कम होती है, उनकी देख रेख कौन करेगा? कौन लाके देगा? कोई मैजिक, कोई जादू होगा क्या? जंगल जो डेजर्ट का रूप ले रहे हैं, वहाँ के एनिमल्स भाग के हमारे घरों में घुस रहे हैं, इस सारी चीज़ों को कौन रोकेगा? मैं नहीं रोक सकती क्योंकि मैं बच्ची हूँ, लेकिन आपको सोचना है, समझना है। देखिए, गवर्नमेंट हो गई, बिजनेसमैन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, रिपोर्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये लोगों ने इसके खिलाफ जाते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। भाई, मैं यहाँ पे जितने आए हुए लोग हैं, मैं उनको मदर समझती हूँ, फादर समझती हूँ, सिस्टर समझती हूँ, ब्रदर समझती हूँ, अंकल समझती हूँ, और है
यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी किसी किसी का बच्चा है, इनको सबको बच्चे भी है, तो क्या इनको अच्छी खासी ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं है? मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ और एक फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन आप सब एक बहुत बड़े फैमिली का हिस्सा है, 5 बिलियन पीपल्स, इतने सारे लोगों का, इतनी सारी कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट के ऊपर 7 कितनी सारी कंट्रीज़ है, और उस कंट्रीज़ में कितने सारे लोग रहते हैं जो अच्छी खासी ज़िंदगी भी जी लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कौन सोचेगा? मेरा एक सिंगल एक ही गोल है कि हमारे लिए पूरे सारे समाज के लिए क्या एक ही रूल नहीं बनना चाहिए? क्या उनके लिए भी कोई नहीं जीना चाहिए? भाई मैं अपनी आंखें बंद करके अंधी भूखी प्यासी डरपोक ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, मैं खुल के आप लोगों को रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि मेरी कंट्री, हाँ हाँ मेरी कंट्री में जब भी हम जाते हैं तो हम खरीदते हैं फेंकते हैं, खरीदते हैं खाते पीते हैं फेंकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ले लेते हैं, यूज़ नहीं है तो हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या किसी नीडी पर्सन को हम देते हैं क्या? नहीं। आज भी हमें किसी नीडी पर्सन को हमारा झूठा खाना देने में शर्म आती है, तो ऐसे क्यों? इवन हमारा झूठा क्यों? हमारे बर्थडेज हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमारे पास होते हुए भी हम लोग किसी को शेयर करना नहीं चाहते, हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे। कनाडा में बहुत सारा फूड है, बहुत सारा वाटर है, बहुत सारे शेल्टर्स, मतलब बहुत सारे घर हैं, हम बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी यहाँ पे जीते हैं, लोगों के पास घड़िया है, बाइसिकल्स है, मोटर बाइक्स है, कार्स है, कंप्यूटर्स है, टेलीविजन है, अगर इनकी लीज बनाना शुरू कर दूँ क्या क्या चीज़ें हैं तो 2 दिन भी मुझे कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ है। लेकिन 2 दिन पहले ही जब मैं ब्राज़ील में गई थी और रोड पर रहने वाले जो 8 बच्चे होते हैं उनके साथ जब मैं 1 दिन रही, तब मुझे रियलाइज हुआ कि बाप रे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इवन रास्ते से जाने वाला अगर कोई रिच आदमी भी वो भी देता नहीं है। अगर मैं होती थी अमीर तो मैं इन्हें कपड़े देती थी, इन्हें फूड देती थी, इनको शेल्टर देती थी, इनको मेडिसिन देती थी, ढेर सारा प्यार देती थी और इनके लिए प्यार जताती भी थी, लोगों को जताने के लिए मजबूर भी करती थी, अच्छी सी नींद इनकी हो जाती थी। लेकिन मैं तो बच्ची हूँ ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यहाँ पे रोड पे भूखे प्यासे सोने वाले बच्चों को दुनिया भर की खुशियाँ देने के लिए लोगों के पास करोड़ों पैसे जो उनके पास होते हुए वो कभी खर्च नहीं करते हैं, डोनेट नहीं करते, वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ करेंगे, अपनी बेटी के शादी के कार्ड सोने चांदी से लोगों को देंगे, अमीर लोगों को देंगे, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं देंगे। तो क्या हम अगर अमीर हैं, हमारी ज़िंदगी अगर ऐसे अच्छे हालात में पैदा हुई है तो उन लोगों को क्या करेंगे? तो ये जो है ये इन्वायरमेंटल स्पीच मैं इसीलिए दे रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा एकत्रित हो गए हैं, तो मैं अब ये सोमालिया की बात करना चाहती हूँ जो मिडल ईस्ट में है, यहाँ पे जो भिखारी लोग हैं, इवन इंडिया के भिखारियों के बारे में क्यों ना बोला जाए, मैं वो भी बोलना चाहती हूँ। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं जो पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और कभी कभी कोई ना इंसान खाना देने के बजाय उन्हें पैसा दे देता है, उन्हें ज़रूरत तो खाने की है, कपड़ों की है, फिर उन्हें पैसा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे दिन ब दिन गरीबी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन किसी अमीर के घर में पैसों की कमी नहीं हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, इन्हें कौन देखेगा? हमारे यहाँ स्कूलों में हम नर्सरी के जीवन से लेके बड़े होने तक हमें ये सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट कैसे देना है, लोगों से झगड़ा नहीं करना है, अच्छी अच्छी बातें करना है, अच्छे अच्छे काम करना है, तो अच्छा बोलना है, अच्छी तरीके से रहना है, हमें कचरा नहीं करना है, हमें किसी को दुखाना भी नहीं है और हमें शेयरिंग करनी है, हमें लालची बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें स्कूलों में सिखाई जाती है हमारे टीचर्स लोगों से, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें ये खाना नहीं है, हमें कोई अनजान आदमी से बातचीत नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें।
तो मैं पूछती हूँ, अगर ये सारी चीज़ें हमें बताती जाती है, तो यहाँ कॉन्फ्रेंस में जमा हुए लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ और डरना भी नहीं चाहिए, और लोगों की मदद करना चाहिए। हमारे पास अगर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो हम किसी एक पुअर को, हम इंसान को मदद नहीं कर सकते? पेट भर के खाना नहीं दे सकते क्या? यहाँ पे आए हुए सारे पेरेंट जो है, ये अपने बच्चों को अच्छी खासी ज़िंदगी देना चाहते, लेकिन वो गरीब अनाथ तो बच्चों के बारे में, जानवरों के बारे में, जिन्हें घर भी नहीं है, खाना भी नहीं है, और लोग मारते हैं, कोसते हैं, अनाथ है वो, उनके माता पिता नहीं है, क्या उनकी ज़िंदगी, वो बच्चे नहीं है, उनकी लाइफ नहीं है, उनकी बॉडी में खून नहीं है, क्या उनको दर्द नहीं होता है, उनके बारे में कौन सोचेगा? मैं तो नहीं, क्योंकि मैं तो बच्ची हूँ, मेरे पास तो इतना कुछ भी नहीं है। आज अगर लीज बनाना शुरू कर दूँ तो ढेर सारी हो जाती है। मेरे पापा कहते हैं कि यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से। जो हम बोलते हैं हमें वही करना चाहिए, जो हम सोचते हैं, लेकिन हमें ना, मैं कभी कभी, हम क्या करने हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सोच के रात रात भर हम रोते, मैं रोती रहती हूँ। हमें कितनी बड़े होने चाहिए, बड़े होने के बाद क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं सोचना समझना चाहती हूँ। हम दुनिया को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। ये स्पीच आप लोगों को बहुत प्रेरणा देगा, मोटिवेशन देगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।